हम लोगों ने गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा था, गणित के परसेंटेज का बहुत जो ऐसे प्रश्न पढ़े थे जहाँ परीक्षा में प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको पढ़ने के बाद एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं आप अपनी कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे और आज के जो कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज्यादा समझ में आएगी। वीडियो देखिएगा, बेहतर लगेगा तो शेयर करिएगा, लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, तब जाकर आप समझ पाएंगे कि किसी भी प्रश्न को जो प्रश्न एक एक पेज में लगते थे, जो तो डेढ़ डेढ़ पेज में लगते थे, वो आप चंद लाइनों में लगा लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, पहली बात तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है। आइए हम एक सवाल हल करते हैं। मैंने सवाल एक आपको बोला कि एक गाड़ी की चाल में 20% की वृद्धि होने के बाद उसकी नई चाल 96 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो गाड़ी की चाल क्या थी। इसको लगाने का एकदम आसान तरीका है, माना गाड़ी की चाल x थी, कितना बड़ा, 20 बड़ा। मैंने पहले ही बताया है कि कोई भी चाल, कोई भी गाड़ी की जो रफ्तार होती है, हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 20% वृद्धि हुई तो मतलब ये हो गया 120/100 बराबर क्या हो गया 96, माने 96 हो गया। बस इसी को हल करना है, चाहे आप 75 करके हल करें, चाहे आपको यहीं पे डिवाइड कर दे, दोनों तरीके से प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले 120 से बढ़कर कितना हो गई, 96 हो गई, पहले माना x था, तो बहुत ही आसान तरीका है, 0 से 0 कट गया, 12 का 12, 12 × 96/10 उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, x बराबर 10/80 प्रति घंटा। थोड़ा सा आप लोग ट्रिक सीखते रहिएगा, क्या मैंने काटा कैसे, आइए मैं आपको वो ही बता दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए, परीक्षा में सवाल लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, कम समय में सवाल लगाना ये सबसे बड़ी और चतुराई की बात है। जब गुणे में कोई पद रहता है तो अंश का अंश और हर का हर से काटा जा सकता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि जब आप गुणे में हो तो अंश अंश से हर हर से काटा जा सकता है, यह बात विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि जब हम परीक्षा में परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए एक सवाल लगाना बड़ी बात नहीं है, कम समय में लगाना ये सबसे बड़ी चतुराई है। तो साथ में हम लोग ट्रिक भी सीखते चलेंगे, जैसे हमने कैसे किया, यक्स गुणे 120/100 था बराबर 96 था, तो हमने कैसे किया, इस लड्डू से काट दिया, 12 का 12, 12 × 96, ये 10/10 उधर जाए गुड़े में, तो 10 × 8 करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति हावर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ये हमने पिछले क्लास का एक रिविजन दे दिया है और इसी के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम एक नए तथ्य को आज पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का तथ्य जो आपको समझ में आएगा। तो मैं आज आपको 3 चैप्टर एक साथ पढ़ाऊंगा। 3 अध्याय का मतलब कौन सा है, आप भी गणित बहुत जगह पढ़े होंगे, आज एक बार इलेनी बुद्रगेश पर गणित पढ़ेंगे तो ये घमंड की बात नहीं है, ये गर्व की बात है कि आप ये बात स्वीकार करेंगे कि गणित को अगर गणित की तरह से पढ़ाया जाए तो बच्चों का गणित से डर भी दूर हो जाएगा और परीक्षा में स्कोर बहुत अच्छी होगी। आज की जो हमारी टॉपिक चलेगी वो हमारी 3 तरह से चलेगी। पहला जो सेशन हमारा होगा वो होगा परसेंटेज का, दूसरा होगा लाभ हानि का, तीसरा होगा बट्टा। इन तीनों अध्याय को हम एक साथ पढ़ाएंगे, एक ही सवाल को हम 3 भाषा में बोलेंगे, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे, उसे लगाने का तरीका एकदम आसान और एकदम बेसिक होगा। आइए हम उस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं, पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो देखिए प्रश्न लिखिएगा, जैसे लिखिएगा राम की आय में पहले 20% की वृद्धि हुई, पुनः कुछ दिनों के बाद 10% की वृद्धि हुई। इस प्रकार राम की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब हमने यहाँ पे देखा और आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 2 बार वृद्धि हो रही है, तो कुछ लोग कहेंगे सर पहले 20 हुआ फिर 10 हुआ, 30% की वृद्धि हुई। जी नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपकी 30% की वृद्धि नहीं होगी। ध्यान से पढ़िएगा, ये क्लास लाइव चल रही है, मुझे यहीं पे आपको सिखाना है, मैं अपने तरीके सिखाऊंगा, क्योंकि अगर ये तथ्य आप समझ जाएंगे तो लाभ हानि, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ आप परसेंटेज, 4 अध्याय एक साथ क्लियर होगा। आपको बहुत ही आश्चर्य लगेगा, और मेंसुरेशन 5 अध्याय, और आज आप उसको सीख जाएंगे और यकीन मानिए गणित से डर दूर हो जाएगा। यहाँ पे कोई वस्तु अपने आप में 100 होती है, कोई वस्तु क्या होती है, अपने आप में 100 होती है। तो कहा जाता है कि राम की आय पहले 20% बढ़ी फिर 10% बढ़ी, तो पहले राम की आय क्या थी,
तो मैंने कहा जहाँ कुछ नहीं पता होता परसेंटेज वहाँ अपने आप में 100 होता है। माने राम की आय पहले कितनी थी, 100% थी। कितनी थी? 100% थी। फिर उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20। तो 100 से ज्यादा होगा कि 100 से कम? 100 से ज्यादा होगा या 100 से कम? अगर 100 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? 120/100। तो गुणे क्या करेंगे? 120/100, फिर गुणे 10% की वृद्धि हुई तो 110/100। मतलब अगर हम इसे अपनी अन्य भाषा में लिखना चाहते तो यही सवाल को हम ऐसे लिख सकते थे कि राम की आय पहले 100 थी, फिर कितना बढ़ी? 20% की वृद्धि हुई। तो भैया 100+20/100, फिर गुणे 100+10/100। अब इस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। वृद्धि माने 100 से ज्यादा, माने उसकी आय में जो उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, एक बार उसके आय में वृद्धि हुई फिर पुनः वृद्धि हो रही है, ठीक? तो सही है, बधाई हो, बस मिशन कम से ठीक है। अब आगे देखते हैं इसे काटने का तरीका। आराम से देखेगा, आराम आराम से गणित पढ़ाएंगे, इस मेरी बात की गारंटी है कि आप जिस दिन गणित पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, आपके कभी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो यहां पर हमने क्या देखा, ये 100-100 से कैंसिल, यह 0, इस 0 से, यह लड्डू इस लड्डू से। अब बचा क्या? 12 × 11 = 132%। अब ये प्रश्न उठता है कि सर उत्तर इसका क्या होगा? तो आप बताइए, राम की आय पहले 100 थी, अब 132 हो गई, तो कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई? 100 से 132 हुआ तो बढ़ा या गढ़ा? माने बढ़ गया। कितना बढ़ा? 32%। कैसे पता? 132 में से 100 को घटा दिया, माने 100 से ज्यादा आएगा तो वृद्धि, 100 से कम आएगा तो कमी। इसे लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हम लोग, तो यह हो जाएगा +32%। इसका उत्तर क्या होगा? +32%। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? +32%। क्लियर? अब हम आगे लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे लिखेंगे। देखिए, जो साथी फेसबुक पे लाइव है वो सभी साथियों को फेसबुक पे शेयर कर दें, जो यूट्यूब पे लाइव है वो यूट्यूब पे शेयर कर दें, ठीक? बाकी आपकी इच्छा, अगर आप शेयर कर देंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। अब आगे लिखिएगा, इसी प्रश्न को अगर हमें अन्य भाषा में लिखे तो एक वस्तु के अंकित मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी बिक्री 20% बढ़ जाए, तो इस प्रकार दुकानदार को कितने परसेंट का कुल लाभ होगा? वो होगा 32%। क्लियर? अब एक प्रश्न और लिखेगा प्रश्न और। एक दुकानदार टीवी के मूल्य में 20% की वृद्धि करता है, 20% की वृद्धि करता है तो टीवी की बिक्री में 10% की कमी हो जाती है, टीवी की बिक्री में 10% की कमी हो जाती है। इस प्रकार उसे इस सौदे में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? इस प्रकार उसे इस सौदे में कितने परसेंट की लाभ या हानि होगी? एक दुकानदार है, टीवी के मूल्य, टीवी उसके पास है, 20% की वृद्धि हो गई और जो उसकी बिक्री थी वो 10% कम हो गई, इस प्रकार उसे इस सौदे में कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा? ठीक, तो बताइए आप लोग कैसे होगा, जल्दी कमेंट करके बताइएगा आप लोग। और एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं, और शायद जो आपके काम का होगा, मैं अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, और जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं तो मैं क्वेश्चन को टाइप नहीं करता, मैं केवल बोर्ड पर आपको प्रश्न हल कराऊंगा, मैं आपको मेथड सिखाऊंगा, प्रश्न की भाषा पकड़ना, प्रश्न कैसे हल करना है, उसको कैसे तोड़ना बढ़ना है, उसके बाद कोई भी प्रश्न आप लाइए आप कर लेगा बाय पेपर। पहले आपको समझ में तो आना चाहिए, एग्जाम्पल अपने मन से कराएंगे, प्रश्न हम अपने मन से देंगे, जब अपने से हम पढ़ाएंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक? तो आइए आगे बढ़ते हैं और उस प्रश्न को हल करते हैं। चलिए, हमने यहां पे देखा कि माना
टीवी का मूल्य कुछ नहीं था, तो हमने पहले सिखाया जहाँ कुछ नहीं वहाँ शौक, तो टीवी क्या था यहाँ पे 100% अपने आप में 100% था। फिर गुड़े टीवी के मूल्य में कितनी वृद्धि की गई 20%, कितनी 20% वृद्धि की गई, तो 120/100। फिर क्या रहा है उसकी बिक्री में कमी हो गई कितनी 10%, तो क्या लिखेंगे 90/100, ये लिखेंगे 90/100। अब देखिएगा 100 100 से कैंसिल, यह लड्डू इस लड्डू से, यह लड्डू इस लड्डू से, 12 × 9 बचा, तो 12 × 9 = 108, 12 × 9 = 108। तो हमें ये बताइए 100 से ज्यादा है या कम, 100 से ज्यादा है या कम, 100 से ज्यादा है या कम। तो आपने यहां पाया है, हम यहां पे देखते हैं या हमने यहां पे सीखा कि 100 से ज्यादा है। अब ये कितना ज्यादा है 8%, तो ये वृद्धि कितनी होगी प्लस 8% प्लस क्या होगी प्लस 8% होगा, क्या होगा प्लस 8% होगा। ठीक है, जो साथी वहां पे लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे, वे सभी एक दूसरे को शेयर कर दें, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो साथी यूट्यूब पे शेयर कर देंगे। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, ये क्लास प्रतिदिन इसी टाइम पे चलती है और ये स्पेशल क्लास चल रही है आपके लिए। यहाँ पे क्लियर हुआ। अब इसी प्रश्न को हम एक और तरीके से बोलते हैं, एक तरीके से और बोलते हैं, लिखिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु के क्रय मूल्य पर, एक दुकानदार एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% बढ़ाकर अंकित करता है, 20% बढ़ाकर अंकित करता है, 20% बढ़ाकर अंकित करता है, फिर उसे पे 20% का बट्टा देने का वादा करता है, फिर उस पर 20% का बट्टा देने का वादा करता है। इस प्रकार दुकानदार को इस सौदे में कितने परसेंट की लाभ या हानि होगी, सोचिए। ये मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूं और आपके लाभ हानि का भी प्रश्न आपका है, क्लियर हो जा रहा है, सोचने वाली बात है और आप आसानी से करते जाएंगे, सारी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है। एक एक करके आप पढ़ते चलिएगा, एक एक करके क्लियर करते चलिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और एकदम आसानी से। मान इतनी बड़ी गणित नहीं जितना हम आप सोच कर बैठे, बहुत ही आसान होती है गणित, लेकिन उसको समझना है, पढ़ना है और सीखना है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। यहां पे क्या करना था कि माना दुकानदार था, क्या था उसके पास कुछ नहीं है पता, तो मानो 100, तो क्या करेंगे हम, माना दुकानदार के पास 100% था, उसने क्या किया, क्रय मूल्य उसका 100 था, तो उसने कितना अंकित किया, मैंने पहले बता दिया है हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, क्रय मूल्य भी अपने आप में 100, तो उसने कितना अंकित बढ़ा किया 20% बढ़ा के अंकित किया, तो 120/100 क्या हो जाएगा 120/100। फिर कह रहा है उस बढ़े हुए मूल्य पर, उस बढ़े हुए मूल्य पर वो क्या करता है, छूट देने का काम करता है, बट्टा देने का काम करता है, तो बट्टा माने छूट होता है, तो छूट क्या परसेंट का दे रहा है 20% का, तो बूढ़े क्या हो जाएगा 80/100। अब आइए इसी को काट दीजिए, जो उत्तर होगा वही आंसर, ये 100 100 से क्लियर कट गया पूरा पूरा, यह लड्डू इससे क्या बचा 12 × 96। अब क्या करेंगे 12 × 96, ये 100 से ज्यादा है या कम, ये 100 से ज्यादा है या कम, तो पता चला नहीं नहीं ये 100 से कम है, कितना कम है, तो पता चला 4%, इसका उत्तर क्या होगा -4%, माने उसे 4% की हानि होगी, क्या होगी उसे 4% की हानि होगी, क्या होगी 4% की हानि होगी। आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा डेली क्लास की शेड्यूल के लिए, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के जुड़िएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, मतलब अगला प्रश्न उठाते हैं, अगला प्रश्न लिखिएगा। राम के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की गई, पहले
10% की वृद्धि की गई। पुनः कुछ दिनों के बाद उसके वेतन में 10% की कमी कर दी गई। इस प्रकार उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा पहले उसके वेतन जो था मूल वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर कुछ दिन के बाद 10% की कमी कर दी गई, इस प्रकार उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे लोग को आंसर तुरंत आ जा रहे हैं, लेकिन हम आपके आंसर बोल देंगे तो बाकी लोग का क्या होगा, मनोबल टूट जाएगा। इसलिए आप लोग लगाते रहिए, हल करते रहिए, सभी को शेयर करते रहिए, जल्दी जल्दी करिए और अपना उत्तर बताते रहिए सभी को। और ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए आप लोग चाहें तो 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। अब आइए हम इसको हल करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, आप लोग उत्तर आ गए, मतलब धीरे धीरे क्या है आप लोग को समझ में आ गया। अब अपने क्वेश्चन के जो पैटर्न था उसको पूरी अच्छी तरीके से पकड़ लिया, और जब आप पैटर्न को पकड़ लेंगे तभी आप प्रश्न को हल करना शुरू कर देंगे अच्छे से। अभी आप हमने क्या देखा आपने कि पहले क्या था, माना सौ था। अब जब 100 था फिर गुणे, पहले 10% की वृद्धि हुई तो कितना लिखेंगे, 110/100 लिखेंगे। फिर गुणे, कह रहा 10% की कमी हुई तो कमी माने 100 से कम, तो कितना होगा सौरभ, एक मिनट रुकिएगा, तो लाइट कर। हमने क्या देखा कि यहां पे क्या था, वस्तु जो था वो पहले क्या था, 100 था, फिर गुणे कितने परसेंट वृद्धि, 10%, तो 110/100 हो गया, फिर गुणे 90/100 हो गया। तो हमने क्या देखा, 100 से क्लियर, यह जीरो इससे क्लियर, यह जीरो इससे क्लियर, तो हो गया 11/99। 100 से कम है या ज्यादा, कम है, कितना कम है, 1, तो -1%, तो 1% क्या होगी, कमी होगी, क्या होगी, 1% की कमी होगी, क्या होगी आपकी, 1% की कमी। अब हम इसी प्रश्न को, आपको विश्वास नहीं होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर भी लगाएंगे यही फॉर्मूला, मेंसुरेशन में यूज करेंगे यही फॉर्मूला, आयतन का सवाल लगाने में यूज करेंगे यही, केवल जो भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक बार आपके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो जरा लिखिएगा, एक प्रश्न लिखिएगा। मोहन ने एक गाय 10,000 रुपए में खरीदी। मोहन ने क्या किया, एक गाय 10,000 रुपए में खरीदी, कितने में खरीदी, 10,000 रुपए में खरीद। फिर उसमें मोहन ने सोहन को 20% की लाभ पर बेच दिया। मोहन ने 10,000 की एक गाय खरीदी और मोहन ने सोहन को कितने पे, 20% की लाभ पर बेच दिया, 20% की लाभ पर बेच दिया, ठीक है। फिर मोहन ने करीम को 10% की हानि पर, 10% की हानि पर वह गाय बेच दी, 10% की हानि पर वह गाय करीम को बेच दी। करीम ने उस गाय को 30% का लाभ लेकर राम को बेच दिया, 30% का लाभ लेकर राम को बेच दिया। इस प्रकार राम को उस गाय का कितना रुपया देना पड़ेगा। तो देखिए सेम तरीका लगाएंगे, अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहले क्रय मूल्य, मूल्य, वास्तविक मूल्य, पहला मूल्य वहां लिख देंगे, क्या करेंगे, पहला मूल्य हमने यहां लिख दिया, पहला मूल्य लिख दिया। अब क्या कह रहा है, प्रश्न को गौर समझिएगा कि सोहन ने 10,000 रुपए की गाय मोहन को 20% की लाभ पर बेचा, माने 120/100 पर बेचा, लेकिन मोहन क्या करता है, उस गाय को 20% के लाभ पर खरीद लिया जितने पे सोहन से, अब वो क्या करेगा, 10% की हानि पर करीम को बेच दिया, करीम उसे 90/100 दिया। अब करीम ने पुनः उसे 30% का लाभ लेकर राम को बेच दिया, इस प्रकार इस सौदे में राम को कितना रुपया देना पड़ा, ठीक।
अब आइए देखेंगे कितना रुपया देना पड़ा। आराम से पढ़िएगा, सभी को शेयर करिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं इलनी विद दुर्गेश पे शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं इलनी विद दुर्गेश पे शेयर करिएगा, और फेसबुक पेज, यूट्यूब पे, जहां भी देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। जब हल करेंगे तो यह दो लड्डू से खत्म, यह दो लड्डू से खत्म, यह लड्डू इससे कैंसिल, यह लड्डू इससे कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा आपका 120 गुणे 9 गुणे 13, मतलब कितना आएगा आपका, लगभग 13,240। जी आपका उत्तर आ गया है 13,240। क्या होगा आपका 13,240। आपके ग्रुप में किसी ने इसका आंसर दिया है, जो लाइव पढ़ रहे हैं, ये क्लास लाइव चल रही है, ये क्लास पूरी तरह से लाइव चल रही है, कोई लाइव पढ़ रहा था उसने इनका जवाब दिया 13,240 रुपया देना पड़ेगा। अब आप लोग को इसी प्रश्न को मैं कन्वर्ट करके बदल कर बोलूंगा और आप लोग इसका उत्तर लगा के दिखाएंगे। सोचिए इस प्रश्न को मैं, अच्छा 14,440 आया, अच्छा कुछ लोगों ने, मैं एक बार गुणा कर लीजिएगा, एक बार गुणा कर लीजिएगा, 13 × 9 = 117 हो जाएगा, 117 × 12 = 84, फिर 12 × 12 = 12, 12 × 12 = 20। हाँ कुछ गलत आया है, आप लोग जरा चेक करिए, गुणा गलत आया है, किसी ने बताया मैंने लिख दिया, कैलकुलेशन एक बार फिर चेक करिए जरा, तो 120 × 9 × 13 करिए कितना आता है, 14,440 आ गया। ठीक है, किसी ने गुणा किया था, मैंने वही देख के कर दिया, मुझे लगा वो तेज है, बहुत जल्दी उत्तर आ गया। तो क्या आएगा इसका उत्तर, क्या आया आपने 14,040 रुपया। अब बताइए राम को उस गाय का कितना देना पड़ेगा, 14,040 रुपया। ठीक है, मैंने गुणा नहीं किया, किसी ने गुणा किया, मैंने वही देख के कर दिया, तो इसका गाय का मूल्य कितना देना पड़ेगा, 14,040 रुपया। अब हम इसी प्रश्न को अब घुमा के पढ़ाते हैं, सेम प्रश्न है आपका, केवल भाषा बदलेंगे, केवल लैंग्वेज चेंज करेंगे, और आप यकीन मानिए आप इसी लैंग्वेज के परिवर्तन के साथ बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए लिखते हैं अगला प्रश्न, इसी पे लिखेंगे, इसी के आधार पर, तो शुरू किया जाए, तैयार है आप लोग, जो फेसबुक पे लाइव है जल्दी से कमेंट करके बताएं, जो फेसबुक पे लाइव है जल्दी से कमेंट करके बताएं, सभी को शेयर कर दें। अब देखिए यही प्रश्न मैं बोल रहा हूं, देखिएगा, सोहन ने एक गाय मोहन को 20% के लाभ पर बेचा। सोहन ने एक गाय को मोहन को 20% के लाभ पर बेचा। मोहन ने करीम को 10% की हानि पर बेचा। करीम ने 30% का फायदा लेकर, करीम ने 30% का लाभ लेकर राम को 14,040 रुपए में बेचा। चौदह हजार चालीस रुपए में बेचा। इस प्रकार सोहन ने गाय कितने में खरीदी थी, या सोहन की गाय कितने की थी, कमेंट करके बताइए। तो इस प्रकार सोहन की गाय कितने की थी को बताइए जल्दी से। प्रश्न को मैं दोहराता हूं, सोहन ने एक गाय को 20% का लाभ लेकर मोहन को दिया, मोहन ने 10% की हानि पर करीम को दिया, करीम ने उससे क्या किया, 30% का लाभ लेकर राम को 14,040 रुपए में बेचा। इस प्रकार सोहन ने उस गाय को कितने में खरीदी थी। अब कोई नहीं करना, एकदम आसान सा तरीका यूज करना है। अब आपको पहली कीमत नहीं पता है, आपको प्रारंभिक कीमत नहीं पता है, जब प्रारंभिक कीमत नहीं पता रहेगी आपको उत्तर पता है। मैं आपको बस मेथड सिखा रहा हूं, प्रश्न की भाषा पकड़ना। गणित में अगर आपने यह सीख लिया तो कोई माइक लाल आपको गणित में हिला नहीं सकता, केवल गणित में प्रश्न की भाषा सीखना है आपको। तो हमने क्या सीखा यहां पे कि मोहन ने माना गाय यक्ष रुपए की खरीदी थी सोहन ने, अब सोहन ने क्या किया, अब उसे कितने परसेंट लाभ पर, 120/100 पर 20% का लाभ लेकर मोहन को बेचा। मोहन ने उसे 10% की हानि पर करीम को बेच दिया, 10% की हानि पर उसे किसको, करीम को बेच दिया। करीम ने 30% का लाभ लेकर राम को बेच दिया। इस प्रकार राम ने उस गाय का 14,040 रुपया पेमेंट किया। अब आपको केवल कमेंट करके इतना बताना है
कि सोहन ने वह गाय कितने में खरीदी थी। बस आराम से बताइए, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका उत्तर बता लेंगे। अब देखिए, हमने एक बात और सीखी है, यदि कोई पद बराबर में हो तो गुणे से अंश में और हर को हर से काटा जा सकता है। क्लियर? अब मैं काट के दिखा रहा हूं, इसी समय आपको काटना भी सीखना है। देखिए कैसे मैं काट रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे यह दो जीरो इस जीरो से, इस जीरो से कट गया, यहाँ का यह जीरो इस जीरो से कट गया। अब अगर 12 से काटना है तो 12 से काटेंगे, 12 का 12 फिर करेंगे 12 से 13 नौ 12 का 12 12 का 12 कितना बचेगा 2, फिर यहाँ बचेगा 20, फिर 12 का 12 यहाँ बचेगा 8 84 12 7 84 ये हो गया आपका 170। फिर काटेंगे 13 से तो 13 नौ 117 90 हुआ, फिर 9 से काटेंगे आपका 1 हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा, एक जीरो बचा था, नहीं एक जीरो बचा था, ये 10 हो गया। तब यहाँ देखिए 1 2 3 जीरो उधर जाएगा, इधर बटे में है, तो हो जाएगा आपका यक्स बराबर, तो आपका हो जाएगा यक्स बराबर एक के बाद 1 2 3 4 जीरो। तो अब क्या होगी, सोहन ने वह गाय 10,000 रुपए में खरीदी थी। सोहन ने वह गाय 10,000 रुपए में खरीदी थी। और आप टेलीग्राम से जुड़ने के लिए दुर्गेश सर सर्च करिएगा, डेली क्लास की लिंक आपको वहां पे मिल जाएगी, दुर्गेश सर। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले लें, इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लें। अच्छा ठीक है, प्रश्न को धीरे धीरे बोलेंगे, कुछ लोग लिख रहे हैं। ठीक है, प्रश्न को धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है प्रश्न को धीरे धीरे बोलेंगे। ठीक है, कोई किसी कोई समस्या, स्क्रीनशॉट हो गया। अब चलिए, अब हम इसी प्रश्न को और तोड़ मरोड़ कर बोलते हैं। प्रश्न यही रहेगा, उत्तर भी यही रहेगा, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर बोलेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप कमेंट करके बताइए कितने लोग को समझ में आ गया। जितने लोग को समझ में आ गया वाई कमेंट करें, जिन्हें समझ में नहीं आया वो यन कमेंट करें। जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, गणित पढ़ने का उद्देश्य आपका सिलेक्शन लेना है, गणितज्ञ बनना नहीं है, पीएचडी करना नहीं है। हमें प्रश्न की भाषा समझनी है, हमें प्रश्न की भाषा को तोड़ मरोड़ कर पढ़ना है, और हमें हर हाल में कहीं से भी है प्रश्न को उत्तर सही लाना है, और उसके लिए साम दाम दंड भेद ट्रिक सभी यूज करना है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब इसी प्रश्न को मैं और तोड़ मरोड़ के बोल रहा हूं। चलिए कॉपी कलम उठाइए, लिखिएगा लिखिएगा प्रश्न लिखिएगा। चलिए हाँ, थैंक यू, अच्छा लगा कि ये लाइव क्लास चल रही है और आप लोग को समझ में आ रहा है, ये मेरे लिए बड़ी बात है और गर्व की बात है कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। डेली आप लोग टाइम से लाइव आ जाए करिए और अच्छे से पढ़ा करिए। लिखिएगा प्रश्न, अगला प्रश्न लिखिए पहले। देखिए आप स्टार्टिंग क्लास पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, बीच में आएंगे फिर भाग जाएंगे फिर आएंगे, ऐसे क्लास नहीं चलती, ये गणित है, इसे आपको समय देना पड़ेगा और एक टीचर से बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, कूद कूद के पढ़ेंगे तो नहीं होगा। लिखिएगा प्रश्न लिखिएगा, सोहन ने 10,000 रुपए की गाय, सोहन ने प्रश्न लिखिएगा, सोहन ने 10,000 रुपए की एक गाय, 10,000 रुपए की एक गाय 20% का लाभ लेकर, 20% का लाभ लेकर मोहन को बेचा। मोहन ने उस गाय को 10% की हानि पर करीम को बेचा। करीम ने कुछ लाभ लेकर, करीम ने कुछ लाभ लेकर, करीम ने कुछ लाभ लेकर राम को वह गाय 14,040 रुपए में बेच दी, 14,040 रुपए में बेच दी। तो बताइए कि करीम ने कितना परसेंट लाभ लेकर, तो बताइए कि करीम ने कितना प्रतिशत का लाभ लेकर वह गाय राम को बेची, कितना परसेंट का लाभ लेकर वह गाय राम को बेची। मैं प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिए, क्योंकि मैं बिना किताब के पढ़ाता हूं, ओरली पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए अगर कहीं नाम में धड़बड़ हो जाए तो आप लोग सेट कर लीजिएगा। सोहन ने एक गाय 10,000 रुपए में खरीद कर 20% का लाभ लेकर मोहन को बेच दिया। मोहन ने वह गाय 10% की हानि पर करीम को बेच दिया। करीम ने कुछ परसेंट का लाभ लेकर उस गाय को राम को 14,040 रुपए में बेच दिया। इस सौदे में करीम ने राम से
कितना परसेंट लाभ लेकर गाय बेची, बस इसी प्रश्न को हल करना है। ये कैसे हल करेंगे? अगर आपको ये तरीका मैं ना पढ़ाया होता, अगर ये तरीका प्रश्न में परीक्षा में आता तो आप कैसे लगाते, मतलब अगर यह प्रश्न आपके परीक्षा में आता तब कैसे लगाते। माना कि आप परीक्षा में बैठे हैं, यह सवाल आप परीक्षा में लगा रहे हैं, तब कैसे लगाते। या तो आपको पता है कि मैं उत्तर वही सेट करके बोल रहा हूं तो आपको तुरंत उत्तर आ गया, लेकिन इसका लगाने का मेन मेथड क्या है, मेन तरीका क्या है, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप लोग मेरे साथ चक्रवृद्धि ब्याज ही पढ़ रहे हैं। ये एक तरह से चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं अभी आपको जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि वास्तव में गणित की वो निचोड़ आप पढ़ रहे हैं, वो निचोड़ जो आपको आज तक डराया आ रही थी। आइए देखिए कैसे इस प्रश्न को हम हल करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। हमने देखा कि एक गाय थी, सोहन ने उस गाय को 10,000 रुपए में खरीदा और मोहन को लाभ लेकर बेचा। कितना लाभ लेकर बेचा मालिक? तो वो बेचा वो 20% का लाभ, 120/100 प्लस मोहन ने करीम को 10% का लाभ ले हानि पर बेच दिया। फिर करीम ने राम को कुछ परसेंट, कुछ मतलब माना यक्ष, तो हम लोग क्या मानेंगे, तो 100 लाभ लिया था तो 100 प्लस यक्ष पूरे का बट्टा 100, अब कितने का बेचा, 14,040। अब इसी को आप काट दीजिए, जैसे ही आप इसे काटेंगे आपको क्या हो जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। अब आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। आइए इसे काटते हैं, जो यक्ष की वैल्यू होगी वही इसके दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को ना, मतलब जितने लोग लाइव है उनको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट ना। देखिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत बड़ी बात है और परीक्षा में स्कोर करना उससे भी बड़ी बात है, और मैं उम्मीद करता हूं यह कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके समझ में आ रहा होगा और अच्छी तरीके से आप इसे पढ़ भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे और मनन भी कर रहे हो। देखिए यहाँ पे देखते हैं, यह काटने का काम शुरू करते हैं, चाकू लगाएंगे, 2 0 2 0 से, यह 2 0 से, इसका 2 0 इसके 2 0 से, क्लियर। यहां से कोई दिक्कत, यहां तक जो मैंने काटा, किसी कोई समस्या, किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जल्दी बताएं। अब देखिए 12 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 1 12 है, फिर ये यही आएगा। 9 से काटेंगे तो क्या आएगा, 130। मतलब क्या मिला आपको, 100 प्लस यक्स बराबर 130, तो यक्स बराबर 130 माइनस 100 तो यक्स बराबर 30%। तो करीम ने वह गाय राम को 30% की लाभ लेकर बेचा था। एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर यदि कोई दिक्कत कोई समस्या रहती है आप कमेंट करके पूछेंगे, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। आप लोग जरा ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए कहाँ पे दिक्कत आ रही है वो पूछिएगा, हम आपको पूरी पूरी मदद करेंगे। और टेलीग्राम पे जो नए लाइव आए हैं और टेलीग्राम पे जरूर जुड़े रहेंगे, डेली क्लास आप एकदम टाइम से लेंगे, दुर्गेश्वर सर्च करके स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया हो, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ चुकी हो, अब हम लोग इसी प्रश्न को, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे शॉर्ट ट्रिक, कभी पेपर में उठा के देखिए प्रश्न कैसे हल होता है किताबों में, ये शॉर्ट ट्रिक एक लाइन में हल हुआ है, इससे सरल ट्रिक क्या चाहिए, ये तो मैं आपको बताने के लिए कर दिया, इतना बड़ा एक लाइन का प्रश्न है, ये एक लाइन है, यहाँ पे हल हुआ 130 बराबर 100, उधर ले गए 30%, ये एक लाइन का सवाल लगा है। अब आपको क्या चाहिए, अब हम लोग सवाल को बदल रहे हैं, अब हम सवाल को बदल रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आज की सवाल आपके जीवन की एक ऐतिहासिक सवाल होगी, और आप गणित जहां भी पढ़ेंगे कहीं भी पढ़ेंगे तो इलेनी बिदुर्गेश को जरूर याद रखेंगे, इस बात की तो गारंटी है। आगे प्रश्न लिखिएगा, क्योंकि आने वाले समय लगातार जो गणित पढ़ेंगे ठीक, और जो स्टार्टिंग से आए हैं वो पहले वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट में जो आ रहे हो वीडियो को पूरा देखेंगे, कोई समझ में नहीं आएगा, ये आधे घंटे की क्लास चल चुकी है 34-35 मिनट की, और अब आपको थोड़ी समझ में नहीं आएगा, स्टार्टिंग से देखिएगा तब आप बताइएगा कि वास्तव में गणित क्या है, ये घमंड की नहीं, ये खुद की मेहनत का गर्व की बात है। आगे लिखिएगा, एक आयताकार खेत की लंबाई में
एक आयताकार खेत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। एक आयताकार खेत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी चौड़ाई में तथा उसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कमेंट करके जल्दी से जवाब दीजिएगा। जल्दी सभी लोग लगाइए, जवाब दीजिए। जो साथी फेसबुक पे लाइव है वो पहला काम फेसबुक पे शेयर करेंगे, जो साथी यूट्यूब पे लाइव है यूट्यूब पे शेयर कर देंगे, जो जहां भी लाइव है सभी को शेयर करिएगा। अगर मेरी क्लास से आप संतुष्ट हो जाइएगा तब, अगर आपको लगेगा जी हाँ इससे आसान गणित नहीं पढ़ाई जा सकती या इससे आसान गणित नहीं है, तब अंता ना करिए। अब आइए देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को हल करके, पहले इसको समझते हैं, हल करते हैं, फिर आपको मनन करते हैं। देखिए देखते हैं, देखिए कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई, चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई। यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, कोई भी फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे सिवाय जो हम लोग लॉजिक पढ़ते आ रहे थे उसी लॉजिक पे सवाल को रखेंगे। माना कि आयत पहले उसका क्षेत्रफल अपने आप में 100%, मैंने पहले दिन ही पढ़ा दिया था दुनिया की हर वस्तु अपने आप में 100%, तो आयत का क्षेत्रफल भी अपने आप में 100%। जब अपने आप में 100% था तो क्या करेंगे, माना आयत का क्षेत्रफल क्या है 100 था, तो उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि की गई 20% की, तो हो जाएगा 120/100। फिर कह रहा है उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई, तो क्या बढ़ाई गई ना, बढ़ाई गई चौड़ाई, बढ़ाई गई तो फिर हो जाएगा 120/100। ठीक, क्या हो जाएगा 120/100 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे, 100 से कैंसिल, यह लड्डू इससे कैंसिल, यह लड्डू इससे कैंसिल, तो बचा 12 × 12 = 144। 100 से ज्यादा है या कम, ज्यादा कितना ज्यादा, तो आपने कहा सर +44%, इस दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा 44% होगा। क्लियर हुआ, ये जो मैंने रूल पढ़ा है जितने लोग लाइव स्टार्टिंग से देख रहे हैं केवल ये बताएं क्या ये आपको टॉपिक पूरा समझ में आ गया, क्या इससे हम चक्रवृद्धि ब्याज का भी सवाल लगा सकते हैं, क्या इससे चक्रवृद्धि ब्याज का भी सवाल लगा सकते हैं। जी हाँ ऑफ कोर्स लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए गणित के में बेसिक सीखनी है, गणित के में वो चीजें जाननी है जहां से हम आसानी से प्रश्नों को हल कर सके, गणित की भाषा समझनी है जो तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है। आइए उसके बारे में लिखते हैं, एक प्रश्न लिखिएगा 10,000 रुपए की धनराशि, 10,000 रुपए की धनराशि, 10,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं, 10,000 रुपए की धनराशि, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद मिश्रधन और ब्याज क्या होगा। बहुत ही आसान तरीका, एकदम हलवा तरीका हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे माना धनराशि क्या है 10,000 दिया है, जब 10,000 दिया है तो 100 नहीं मानेंगे। क्या कह रहा है कि पहले वर्ष कितना बड़ा 10%, तो हो गया 110/100। फिर हम कहते हैं ब्याज पर ब्याज दे होता है, फिर हम लिखेंगे 110/100, फिर ब्याज पे ब्याज दे है, फिर 110/100। जबकि इसका जो नियम है वो ऐसे है, a = p(1 + r/100)n। ये फॉर्मूला याद करना है, हम फॉर्मूला नहीं याद करेंगे ना याद करवाएंगे, ये मैंने आपसे पहले बताया था, हम ना फॉर्मूला याद करते हैं ना फॉर्मूला याद करवाते हैं। कितना फॉर्मूला याद करेंगे आप, ये पढ़ने याद करने की उम्र है। अब देखिए यह 2 0 2 0 से कैंसिल, यह 2 0 से कैंसिल, यह लड्डू इससे, यह लड्डू इससे, तो ये हो गया 11 × 11 × 11, 11 का क्यूब किसी को याद है 1331,
हमने लिख दिया 1331, एक जीरो बचा था लिख दिया। अब उसका मिश्रधन क्या हो जाएगा 13,310। अब बताइए 10,000 रुपए की धनराशि 13,310 तो कितनी बढ़ी, तो पता चला भैया 3310। तो ये आपका सीआई हो गया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपका ब्याज और ये आपका मिश्रधन। सोचिए कि हम लोगों ने बिना बिना पेन उठाए, मतलब पेन तो उठाया, थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो हम लोगों ने वो फार्मूला नहीं पढ़ा, कौन सा ये वाला, ठीक। और आप लोग को अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, देखिए ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट है, तो उसके लिए आप लोग 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च कर आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा। फेसबुक पेज यूजर है तो ई लर्निंग पे दुर्गेश से जुड़िएगा। इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लियर कर लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, हो सकता है ये प्रश्न आपके काम में आ जाए। ये जो हमने पढ़ाया, जो हमने समझाया, जो मैंने आपको बताया है, हो सकता है आपके काम में आ जाए। ठीक है, देखिए फेसबुक पे थोड़ा कमेंट जो आया एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आपने एक जगह गलत किया है उसको सही कर लीजिएगा, क्लियर हुआ। अब हम आइए आगे बढ़ते हैं, अब इसको आयतन पर भी लगाते हैं, अब हम इस सवाल को आयतन पर भी लगाएंगे और कल इसके बाद एक एक टॉपिक को हल करेंगे। एक सवाल हम लगा लेते हैं, आज का आखिरी सवाल लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक पर इसको हल करेंगे, एक एक टॉपिक पे। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे मैं आर गैप कर दूं तब भी इसी पे लग जाएगा, यहाँ पे एन गैप कर दूं तब भी यहीं पे लग जाएगा, सभी फार्मूला इस पे लग जाएगा। लेकिन एक और लिखिएगा, मैं उम्मीद करता हूं इसके बाद के सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएंगे। लिखिएगा एक घनाभ के लंबाई में 10% की वृद्धि की गई, 10% की वृद्धि की गई तथा उसके चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई, 20% की कमी कर दी गई तथा उसकी ऊंचाई में 30% की कमी कर दी गई, उसकी ऊंचाई में 30% की कमी कर दी गई। इस प्रकार उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके वैल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मेरी प्रश्न को मैं रिपीट कर रहा हूं, एक घनाभाकार कमरा या एक घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई, चौड़ाई में 20% की गई तथा उसकी ऊंचाई में 30% की कमी कर दी गई, इस प्रकार उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी या क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी मेथड पे लगाएंगे आप, कोई फार्मूला नहीं यूज करना है, कुछ भी यूज नहीं करना है, बस जो हम लॉजिक पर तैयार है परसेंटेज का, उसी लॉजिक पर आपको प्रश्न को हल करना है। यकीन मानिए आप एक हफ्ते बाद अपने आप में महसूस करेंगे कि गणित सीजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, बस उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, बस आपको यह समझना है कि गणित में आपको स्कोर करना है, चाहे जैसे प्रश्न लगाइए, और परीक्षा में प्रश्न की भाषा समझना है। कुछ लोग पीएचडी करेंगे गणित पढ़, पीएचडी मत करिए, आप केवल स्कोर करने में फोकस करिए। कुछ लोग गणित पढ़ेंगे, ठीक है सर बहुत बढ़िया गणित पढ़ा, आराम आराम से पढ़िए। अरे भैया पहले पीएचडी मत करिए, पहले सिलेक्शन लीजिए, पढ़ने को पूरा जीवन काल पड़ा है। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, आप देखिए आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। कह रहा है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करते हैं, चौड़ाई में 20% की और ऊंचाई में 30% कमी, तो जब उसका कुछ नहीं दिया तो माना 100, क्योंकि परसेंट ही मैंने पहले दिन बता दिया था कि अपने आप में 100, पहले दिन मैंने परसेंटेज का पहला दिन मैंने बता दिया था 100, मतलब उस टॉपिक का पहला दिन। तो हमने यहां पे देखा कि भैया ये क्या है अपने आप में, यहां पे क्या होगा, पहले ये था 100, फिर कह रहा है कि उसमें कितने की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, तो क्या हो जाएगा 110/100, फिर क्या होगा 120/100, फिर क्या होगा 30% की कमी, तो क्या लिखेंगे 70/100, क्योंकि मैंने प्रारंभ से ही पढ़ाते हुए मैं आ रहा हूं और मैंने आपको यह बताया था कि
वृद्धि होगी 100 से ज्यादा, कमी होगी 100 से कम, तो कह रहा है एक घनाभ अपने आप में उसका आयतन 100% था, उसके लंबाई में 10% बढ़ा दिया गया 110/100, उसके चौड़ाई में 20% बढ़ाया गया 120/100, फिर उसकी ऊंचाई में 30% कम किया गया, 100 - 30 = 70/100। अब हम क्या करेंगे, 100 100 से कैंसिल, यह लड्डू इस लड्डू से, यह लड्डू इस लड्डू से, यह लड्डू इस लड्डू से, अभी एक जीरो बचा है। अब आइए 11 × 12 करेंगे, 132 × 7, तो यहाँ पे क्या होगा 132 × 7/10, एक अंक में दशमलव लगाइएगा, कितना आता, जरा कोई गुणा किया हो तो बताए, कोई गुणा किया हो तो जल्दी बताए, कोई गुणा किया हो तो जल्दी से बताए, ये हो गया 7 × 14 और फिर 7 × 14 हो गया और 7 × 21 = 22 हो गया, फिर 7 × 1 = 7 और 7 × 1 = 8 यही आएगा क्या, देखिए गुणा करिएगा जरा आप लोग, 10 यही आएगा, 10 का मतलब क्या है, एक अंक में दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 82.4, तो 100 से कम है ज्यादा, कम है कितना कम है, तो इसको क्या करेंगे 100 में से घटा देंगे, 100 में घटा देंगे क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा 17.6%, देखिए सबका आया 17.6%, एक बार मिला लीजिएगा जरा 17.6% की कमी, एक बार मिला लीजिएगा आप लोग, देखिए यही आया है ना, देखिए 100 100 से कैंसिल, यह लड्डू इस लड्डू से कैंसिल, 12 × 11 करेंगे 132 हो गया, 132 × 7 करेंगे तो 7 × 2 = 14 हासिल लगा, 1 7 = 21 = 22, 7 × 1 = 7 = 2 = 9, अच्छा 9 होगा, मैंने कहा मुझे लगा कहीं गलती हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा ये 924 बटा 10, तो 924/10 को हम लिख सकते हैं क्या, यह हो जाएगा हमारा 92.4%, 100 से ज्यादा है कम, पता चला भैया 100 से कम है, कितना कम है, हाँ 900 मुझे लगा था, तभी मुझे लगा, तो 100 से कितना कम है, ये हो जाएगा 7.6, तो -7.6% की उसके आयतन में कमी होगी, ठीक है, क्योंकि 100 से कम है तो कितना कम, 100 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7.6%, क्लियर हुआ, अच्छा क्वेश्चन 20% कमी बोला, अच्छा ठीक है 30 कर लीजिएगा, मैंने बोला चलिए कोई बात नहीं, दरअसल क्या है ना, मैं किताब से प्रश्न पढ़ाता हूं ना किताब से लिखवाता हूं, तो इसीलिए चलिए कोई बात नहीं, चलिए सॉरी, दरअसल क्या है ना, मैं किताब से तो पढ़ाता लिखाता नहीं हूं, मन से बोल दिया वही लिख दिया, अगर आपका वही है तो उससे भी लगा देते हैं, एक मिनट रुकिएगा, आइए ऐसे भी लगा देते हैं, एक मिनट रुकिएगा, हमने क्या देखा यहाँ पे आ जाएगा 924/10 तो बराबर 92.4, 100 से कम है कितना कम है, तो 7.6% की कमी हो गई, ठीक है कमी हो गई। अब आइए, अब कह रहे थे सर कि हमने यहाँ पे क्या बोला था 20%, तो हो जाएगा भैया 100 × 110/100 × 120/100 फिर 80/100, यही प्रश्न बोल दिया था मैंने, कोई बात नहीं मालिक, यहां से भी लगा देंगे, अब देखिए आप लोग टॉपिक सीख लिए, अब कहीं से भी लगा लेंगे, आप कुछ भी रहेगा आप लगा लेंगे, मान कुछ भी दिया है आप तो आसानी से लगा लेंगे, ये 100 100 से कैंसिल, यह लड्डू इससे कैंसिल, यह लड्डू इससे कैंसिल, यह लड्डू इससे कैंसिल, अब गुणा कर दीजिएगा 11 × 12 × 8 करें कितना होता है, 11 × 12 करेंगे तो हो जाएगा 132 × 8/10, कितना आ रहा जरा बताइए, गुणा करेंगे कितना आएगा, अब कितना आएगा जरा कमेंट कर बताइए, 8 × 2 = 16 + 8 = 24 + 25 + 8 = 8 + 8 = 2 = 10 यही आएगा, अच्छा बिल्कुल कमी बोल दिया था, अरे मालिक कुछ भी होगा लगा लीजिएगा, अच्छा 10 बढ़ा, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अब उससे देखिए आपको मेथड समझ में आ गया ना, इससे बात स्पष्ट होता है, आपको मेथड समझ में आ गया, चलिए मालिक हम बदल लेते हैं, ठीक है अब हम सवाल को, ठीक है ओके, यहां पे मैंने बोला था 100 × कितना बोल दिया था मैंने, सब बता रहे हैं कि 110 लंबाई में 10% की वृद्धि हो, चौड़ाई में 20% की कमी हो और फिर उसके ऊंचाई में 30% की कमी हो, यही बोल दिया था मैंने, यही बोला था ना, बस आपको समझ में मैं पता है जब मैं प्रश्न को गलत लगाया आपने सही हल किया, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गया, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपने ये नहीं समझा क्या, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया,
ठीक, अब इसी को काट दीजिएगा, चाकू लगाइए अब जल्दी जल्दी। तो क्या करेंगे, सौ सौ से कैंसिल, लड्डू इससे कैंसिल, लड्डू इससे कैंसिल, लड्डू इससे कैंसिल, ग्यारह अट्ठे अट्ठासी, अट्ठासी गुड़े सात बटे दस, फिर सात अंठे, सात अंठे छप्पन, फिर सात अठे छप्पन पांच इकसठ, यही होगा, तो हो जाएगा इकसठ दशमलव छह, तो हो जाएगा कितना, अड़तीस दशमलव चार, हो जाएगा माइनस माइनस अड़तीस दशमलव चार, ठीक है, क्लियर, ठीक, अब क्लियर हो गया ना, हाफ सही है। अब ध्यान से आप लोगों ने पढ़ लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, ठीक। अब और ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप जो भी जानकारी चाहिए ऑनलाइन क्लास नोट्स की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन हमारी पहले टेलीग्राम पे जाती है, ठीक है, क्योंकि अभी क्लास लंबा चलेगा तो नोटिफिकेशन यूट्यूब से आपको नहीं मिलेगा, तो आपको सारी नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मिलेगी, कब क्लास चली है कब क्लास नहीं चलेगी, तो उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, जुड़ेगा इलेनी विद दुर्गेश सर। आज की टॉपिक यहाँ पे खत्म होती है, इसके बाद फिर कंटिन्यू होगी अगले टॉपिक, ठीक है, तब इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, और आपके लिए ये जो महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, वीडियो को सभी को शेयर करिएगा। ऑनलाइन क्लास में अगर आपने दाखिला नहीं है तो ऑनलाइन क्लास में दाखिला ले सकते हैं, यहाँ पे नंबर दिया गया है, फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश, ट्विटर इंस्टाग्राम इलेनी विद दुर्गेश। गणित की ऐसी सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी, हमारे ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है, नोट्स उपलब्ध है, एसटी उपलब्ध है, हमारी क्लासेस जौनपुर संचालित की जाती है, अगर आप जौनपुर जनपद से हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए क्योंकि तभी आप नजदीक पहुंचेंगे अपने चयन के।